मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो विजन बहुत आगे का होना चाहिए, पर्यावरण की परवाह भी होनी चाहिए, विकास का ख्याल भी। और इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए पूरी दुनिया का फोकस ग्रीन एनर्जी पर है और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल बनता जा रहा है लोगों की पहली पसंद, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के मुकाबले ईवी सस्ता और आसानी से लोगों की पहुंच में है। बड़े महानगर हों या छोटे कस्बे, महंगे तेल की मार से बचने के लिए लोग ईवी को बड़ी तेजी से एडॉप्ट कर रहे हैं और फोकस उनका बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बाकायदा संसद में यह बताया कि देश में 18 लाख से अधिक रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मौजूद हैं और ये तादाद हर बढ़ते दिन के साथ दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। हालांकि ईवी के दाम बैटरी की लागत के कारण महंगे ज़रूर हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में जिस तरह का डिमांड है उसे देखते हुए अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम आम गाड़ियों के बराबर हो जाएंगे या उनमें जो फ़र्क है वो धीरे धीरे मिटने लगेगा। यही वजह है कि दिग्गज कार मेकर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। टू व्हीलर्स का भी कमोबेश यही हाल है। फिलहाल इलेक्ट्रिक कार के 13 नए मॉडल्स बाजार में मौजूद हैं। 2023 में आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा और उम्मीद जताई जा रही है, जो एक अनुमान है उसके मुताबिक 2025 तक 25 से 30 नए पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो मॉडल होंगे वो लोगों के लिए ऑप्शन के तौर पर बाजार में खड़े नजर आएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां ईवी मार्केट में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। सरकार भी ईवी इकोसिस्टम के लिए काम कर रही है, पीएलआई स्कीम इसमें बूस्टर का काम कर रहा है, लेकिन अभी भी बैटरी मेकिंग और चार्जिंग स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत काम होना बाकी है। लेकिन हर संभावना अपने साथ इस तरह की चुनौतियां लाती है। इन चुनौतियों को आगे बढ़कर टैकल करना ही कहीं ना कहीं उन संभावनाओं के लिए एक अवसर पैदा करता है। भारत में क्या क्या चुनौतियां हैं ईवी की राह में और दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स के लिए भारत कितना उम्मीद भरा हब बनकर उभर रहा है, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले अपनी सहयोगी सृष्टि शर्मा के पास चलते हैं, जो आंकड़ों के जरिए ईवी की ग्रोथ का गणित समझा रही हैं। सृष्टि, बताएं क्या जो एक फ्यूचर के तौर पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर की बात है, लेकिन जिस तरह की डिमांड नज़र आ रही है और जिस तरह की तेज़ी नज़र आ रही है वो कह रही है कि अब जो है वो ज़माना ईवी का आ चुका है। जी बिल्कुल, ज़माना तेज़ी का आ चुका है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की रफ्तार अगर हम देखें तो सबसे पहले कैचअप करती हुई आई थी नज़र टू व्हीलर सेगमेंट में। धीरे धीरे करके कई सारी पैसेंजर व्हीकल्स और कार्स भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन जो है अपनाती हुई दिख रही हैं। पहले सिर्फ प्राइवेट कंपनीज जो हैं इस पर फोकस कर रही थी, अब लिस्टेड प्लेयर्स जैसे कि टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स भी इलेक्ट्रिक जर्नी को काफ़ी जोश के साथ आगे ले जा रहे हैं और साथ ही टाटा मोटर्स, महिंद्रा ये भी कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन पे फोकस कर रही हैं। आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, अगर हम देखें साल की शुरुआत 2022 की शुरुआत अगर हम देखें तो वाहन डेटा के मुताबिक जनवरी महीने में लगभग 50,000 इलेक्ट्रिक यूनिट्स जो हैं इंडिया में बेची गई, जिसमें टू व्हीलर सारे ही सेगमेंट्स शामिल हैं। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते ओवर द मंथ हमने ये आंकड़े में बढ़ोतरी देखी और पिछले 2 महीने से यानी फुल आंकड़े देखें अगर अक्टूबर और नवंबर महीने के तो ये आंकड़ा 1 लाख के भी पार जाता हुआ दिखा है। तो आप देख सकते हैं साल की शुरुआत से लेकर नवंबर महीने तक आते आते ये आंकड़ा जो है वो दुगना हो चला है। आगे के लिए जो आउटलुक बन रहा है साल 2023 का, सभी कंपनीज का ये कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक प्राइस कंसोलिडेशन भी होता देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो है अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों के जो दाम है वो ज्यादा बताए जाते हैं। तो टाटा मोटर्स ने वहां पे एक बदलाव किया है जहां पे 10 लाख से सस्ती उन्होंने इलेक्ट्रिक कार जो है मार्केट में उतारी है और आगे चल के आप किसी भी बड़ी कंपनी से बात कर लीजिए वो यही बोल रहे हैं कि साल 2023 में और भी इलेक्ट्रिक लॉन्चेस आप आते हुए जरूर देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी डिमांड के साथ साथ उसके इन टारगेट्स को मैच करना भी कंपनियों के लिए वाकई इस वक्त टॉप प्रायोरिटी बन चुका है। और यही वजह है कि इस तरह का रुझान और इस तरह के आंकड़े जो फिगर्स के रूप में सामने आ रहे हैं और एक आउटलुक जो हम देख रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहा है कि जो नया जमाना है वो ईवी का दीवाना है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान,
सबसे पहले उनसे परिचय मैं आपका करा दूं। हमारे साथ हैं जाने माने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब, इसके अलावा श्रीकांत सिंधे साहब जुड़ रहे हैं जो कि CEO हैं GoGoEven.com से, और इनकी जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उनके कंपोनेंट्स पर बारीकी से काम करती है। पंकज शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हैं co-founder Log9 मटेरियल्स के, जो कि जो कंपोनेंट्स हैं खासतौर पर बैटरीज की अगर हम बात करें तो उन पर काम करती हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले टूटू सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह के आंकड़े गवाही दे रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं, जितना रिसर्च सामने आ रही है, जो भी डेटा सामने आ रहा है, वो साफ तौर पर कह रहा है कि नए ज़माने में अब लोग हाथों हाथ ईवी जो है उस पर फोकस कर रहे हैं, और यही वजह है कि अब एक तेज़ी जो हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद 2-3 साल बाद एक तरह का बूस्ट नज़र आए या इस तरह की तेज़ी नज़र आए, वो हम बहुत पहले से नज़र आ रहे हैं। हम 2023 तक के आकलन में देख रहे हैं कि बहुत बेहतर आंकड़े सामने आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिकॉज इन द लास्ट 8 to 10 years बहुत प्रेशर आया है ऑन ईवीज, टू व्हीलर एज वेल एज फोर व्हीलर, जो मार्केट के अंदर पुश किए गए हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑल्सो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिसिटी, और हम लोग मीडिया वाले भी उनको और थोड़ी सी पब्लिसिटी देते हैं। बट कुछ थोड़ी सी रियलिटीज जो है वो अभी हम नहीं देख सके। तो अभी जो हमारा कंज्यूमर है वो कोई दिल से एनवायरनमेंट को बदली करने के लिए ईवी नहीं खरीद रहा, वो तो सिर्फ खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी सेविंग होती है पेट्रोल के ऊपर। अब पेट्रोल डलवाना भी और एक टैंक फुल कराते कराते 4,000 to 5,000 रुपए लग जाते हैं, तो इवन दैट पिंचेस। और यहाँ तो गाड़ी आप 500 या 1,000 किलोमीटर चलाएंगे तो मुश्किल से आपके 400 या 500 रुपए लगेंगे ऑन इलेक्ट्रिसिटी रिचार्जिंग बैटरी। बट रियलिटी इज कि जैसे जैसे बैटरी आपकी पुरानी होती जाएगी, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस उसकी वैसे ही कम होती जाती है, एंड साथ साथ में देर इज अ लाइफ फॉर द बैटरी। अब कंपनी की तरफ से तो आपको वारंटीज 8 साल की मिलेंगी या 6 साल की मिलेगी या 10 साल की मिलेंगी, बट आफ्टर दैट विल द नेक्स्ट ओनर या उसी ओनर के पास कितने पैसे होंगे कि आप बिटवीन 40% and 50% ऑफ द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द कार आप उस टाइम उस गाड़ी के ऊपर खर्च करो। तो ये असलियत जो है वो तो आपको हमको 5 to 10 साल के अंदर अंदर पता लगेगी, जब मैन पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि रीसेल मार्केट उनकी कैसी है, और साथ साथ में रेजिड्यू आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी वापस आती है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि बहुत सारी रियलिटी चेक्स भी ज़रूरी हैं, हमें बस एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर की ओर नहीं देखना चाहिए। भारत में अगर हम खपत की बात करें या किसी भी डिमांड की बात करें तो वो अचानक से नज़र आता है। श्रीकांत जी, मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरह के फिगर्स और जिस तरह के डेटा सामने आ रहे हैं और जिस तरह की डिमांड सामने आ रही है, उस तेज़ी में मैन्युफैक्चरर्स हैं या उन डिमांड को पूरा करने के लिए जिस तरह की हमारी तैयारी होनी चाहिए, क्या वो तैयारी हमारी मजबूत नज़र आ रही है या तेज़ी की और आवश्यकता है? थैंक सर। डेफिनेटली जो उसके पहले हम लोग इंडस्ट्री के फेजेस को अगर अंडरस्टैंड करें तो 2011 to 2020 का जो फेज था इंडिया में वो अवेयरनेस फेज था। 2020 to 2021 to 2025 जो है एस्टेब्लिशमेंट फेज है, और एक्चुअली ईवी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ होनी है वो 2025 के बाद में शुरू होगी। बट जैसे टाटा मोटर्स ने इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और एक माहौल बन गया, उसकी वजह से जो 2025 में होना था वो हमें 23 में ही दिखाई दे रहा है। ईवी इंडस्ट्री को हम लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से अलग नहीं कर सकते, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के कुछ बेसिक रूल्स है उसको हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सिर्फ कंपनी अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल नहीं कर सकती है, उसके लिए आफ्टर मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ईवी इंडस्ट्री के लिए वो अभी तक उतनी लेवल पे डेवलप नहीं हो चुका है, एंड जैसे डिमांड बढ़ी हुई है तो डिमांड के साथ में सप्लाई, आज हर एक मैन्युफैक्चरर के लिए डिमांड बहुत है बट उसके लिए सपोर्ट सिस्टम जो चाहिए वो सिस्टम में कहीं ना कहीं पे तो अभी तक एस्टेब्लिशमेंट जो होना चाहिए था तो उसके लिए और 1-2 साल लगेंगे। सभी लोग वॉर फूट पे काम कर रहे हैं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से काम हो रहा है, हर एक मैन्युफैक्चरर काम कर रहे हैं, एंड इनिशियल स्टेज में बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स आते हैं, स्टार्टअप्स आते हैं,
कि जिनको मतलब उतना एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी बिजनेस की नहीं होती है, तो कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ गलत भी होती है। जैसे हमने रिसेंटली देखा कि गाड़ियों में, टू व्हीलर्स में आग लग रही है, तो ये गलतियां भी बहुत बार होती है। तो ये 2 साल में ये सब स्ट्रीमलाइन होके एक प्रॉपर लेवल पे इंडस्ट्री आ जाएगी। बट एक पॉजिटिव साइन है कि जो 2025 में एक्सपेक्टेड था वो 23 में ही आज देखने को मिल रहा है। पब्लिक का अवेयरनेस बढ़ चुका है एंड डिमांड बढ़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि एक फेज़ के तौर पर हम देख रहे हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि एक तरह से हम जिस डिमांड या जिस बूम की या जिस बूस्ट की बात हम 2025 के टारगेट की कर रहे थे, वो हमें 2023 में ही उसकी झलक, उसका ट्रेलर देखने को मिल रहा है। पंकज जी, मैं आपके पास बहुत ही स्पेसिफिक सवाल के साथ आना चाहूँगा। चूँकि आप कंपोनेंट्स खासतौर पर बैटरीज में डील करते हैं, सबसे पहले कंज्यूमर के लिए जो कॉस्ट वाला मीटर है वो सबसे पहला चेक पॉइंट होता है। उस लिहाज से अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस पूरे इकोनॉमिक्स को समझना चाहें तो अभी हम कहाँ पीछे रह रहे हैं? देखिए, किसी भी चीज़ का प्राइस आज के टाइम में अगर आप देख लीजिए, जो हाई एंड गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल गाड़ियाँ जो भी हैं, 50 लाख 40 लाख की हाई एंड गाड़ियों के गाड़ी के बारे में बात करें, अगर आप फंडामेंटली देखें तो एक प्राइसिंग जो किसी प्रोडक्ट का मार्केट में है वो 2 चीज़ों से आता है। एक तो उसका बनाने का खर्चा, जो कि यू नो इंडिया में बन रहा है तो आप उसको मिनिमम रख सकते हैं। जो दूसरी चीज़ जो किसी भी प्रोडक्ट का खर्चा या कॉस्ट बढ़ा देती है वो ये है कि उसमें जो टेक्नोलॉजी लग रही है, क्या वो आपके भारत में देश में बनी हुई है या आप कहीं से उसको लाइसेंस करके लेके आ रहे हो। आज के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है महंगा इसलिए है बिकॉज काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो कि लिथियम आयन सेल जो लग रहे हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो इसके अंदर लग रहे हैं वो सारे इम्पोर्ट से आ रहे हैं। सो हम इलेक्ट्रिक कार को एक काफ़ी सस्ते दाम पे बना सकते हैं अगर हम इन कंपोनेंट्स को जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर जा रहे हैं उनको लोकली मैन्युफैक्चर करें, लोकली इन्वेंट करें, लोकली उनकी सप्लाई चेन बनाएं यहाँ पे। सो आज के टाइम में हमें एक इनोवेशन का खर्चा देना पड़ रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना महंगा पड़ रहा है भारत में लाते लाते। बट मैं काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक से इसको देखता हूँ। ये हमारे देश के लिए आज एक आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर होने के लिए एक बहुत अच्छी चुनौती और बहुत ही अच्छा मौका है। आज के टाइम में हम करीब करीब 120 बिलियन डॉलर का तेल खरीदते हैं सालाना। आप सोचिए अगर इसका छोटा सा अंश इनोवेशन में लगाया जाए, कंपोनेंट डेवलपमेंट में लगाया जाए, लिथियम आयन सेल्स बनाने में लगाया जाए, इंडिया से लोकल सप्लाई चेन में लगाया जाए, जो मटेरियल्स हैं जो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने में यूज होते हैं वो इंडिया से बने, तो आज के टाइम में इंडिया एक वो नेशन बन सकता है जो दुनिया की सबसे सस्ती, सबसे कायमदार और सबसे मुनाफेदार इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सकते हैं। तो आज के टाइम महंगा है बट मैं बहुत पॉजिटिव हूँ जो मैं आज के टाइम में देख रहा हूँ। स्टार्टअप्स जो आ रही हैं, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की जो पॉलिसीज आ रही हैं, ये सब एक नॉर्थ स्टार की तरफ पॉइंट कर रही हैं कि चीज़ों को यहाँ पे लोकली डोमेस्टिकली बना सकते हैं। और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए हमें लोकली चीज़ों को बना के लोकली रिलीज या लोकली सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे। सो काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है मेरा तो, और मैं चाहता हूँ कि अगले 2 से 3 साल के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्राइसेस बाय लोकली डेवलप्ड कंपोनेंट की वजह से कम होते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ऑप्टिमिस्टिक जो अप्रोच है वो नज़र भी आ रहा है, और इस सेक्टर से जुड़े जो लोग भी हैं जो कि बहुत ही कोर बिजनेस में इसमें डील करते हैं, वो सभी मान रहे हैं कि जिस तरह का एनवायरनमेंट है, जिस तरह का इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बेहतर आंकड़े ही, बेहतर संभावनाएं ही नज़र आएंगी। टूटू धवन साहब, बार बार जब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कंज्यूमर सेंटिमेंट की बात आती है तो एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग लग जाता है सिक्योरिटी का, और इस सेंटिमेंट का कितना बड़ा फर्क पड़ता है किसी भी कंज्यूमर बेस पर जब किसी नई टेक्नोलॉजी को उसे एडॉप्ट करना होता है? देखिए, जो आपका सवाल है बेसिकली ऑन सिक्योरिटी, एम आई राइट? यस यस सर, यस सर। Security of the vehicle or security of the people who are going to be using it? दोनों ही, मतलब वो बार बार जो experts कह रहे हैं, जैसे हमारे panel में भी कहा कि बहुत से
इस तरह के प्लेयर्स भी यहाँ मौजूद हैं कंपोनेंट्स बनाने में, जिनको उस तरह का अनुभव नहीं है, चूंकि डिमांड को मैच करना है इसलिए कई बार उनसे भूल हो जाती है और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तो मेनली कंज्यूमर पर कितना फर्क पड़ता है इसका? देखिए, सबसे पहले तो यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये एक नेसेंट इंडस्ट्री है जो भी हाल में इसका पकड़ आई है हिंदुस्तान के अंदर। ऑल्दो इन फॉरेन कंट्री तो पिछले 8-10 साल से बहुत कुछ इनके आगे हो चुका है और एडवांसमेंट भी हो गई है इन टेक्नोलॉजी एज वेल एज कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल टू यूज इट। अब हिंदुस्तान के अंदर जैसे कि ये फ्लाई बाय नाइट कोई ले आते हैं चाइना से कंटेनर्स बनवा के ले आते हैं और यहाँ पे मेड इन इंडिया की स्टैंप लगा के जो भेज देते हैं, और उनके एक्सीडेंट्स सबसे ज्यादा हुए हैं इन टू व्हीलर एज वेल एज इन फोर व्हीलर। टू व्हीलर के अंदर बहुत ज्यादा, हालांकि फोर व्हीलर के अंदर इतनी ज्यादा रिपोर्ट नहीं आई, बट लेट मी टेल यू के वो इंफॉर्मेशन पूरी बताई नहीं जाती है, बट देर हैव बीन लॉट ऑफ एक्शन इन फोर व्हीलर ऑल्सो। बाकी हाँ, यस, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा टू गेट द एक्सपर्टीज एंड द एनवायरमेंट राइट टू हैव द परफेक्ट बैलेंस, ये गाड़ी का भी, परफॉर्मेंस का भी एंड इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ये सब चीजों का परफेक्ट बैलेंस को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और वो इंश्योरेंस आपको कंपनी वाले जरूर देंगे बैकअप करने के लिए, सो दैट द कस्टमर डज नॉट सफर। अब जो आपकी कस्टमर की सबसे पहली यही सोच होती है कि मेरी को सिक्योर, मेरा इन्वेस्टमेंट सिक्योर है या नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट जो कर रहा हूँ उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे को मिलेगी कि नहीं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फिर उसके बाद जब हम बेचना चाहेंगे तो हमको रेजिड्यू वैल्यू के अंदर कुछ वापस हमको मिलेगा कि नहीं। अभी हाल के अंदर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव नॉट येट कम इन टू द सेकेंड हैंड मार्केट, कुछ इक्का दुक्की इधर से आएंगे तो बात अलग है, बट इन रियलिटी जब ये सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर आना शुरू करेंगे तब असलियत पता लगेगी कि हाउ आर दे गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद इंटरनल कंबस्टन व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो ये चीजें एज मैंने पहले भी कहा है कि टाइम ही है जो आपको सब चीजें की नॉलेज भी बढ़ाएगा और साथ साथ में आपको यूजिबिलिटी भी पता लग जाएगी कि कितनी है इसकी यूजिबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई तो समय जो है वो बहुत सारी चीज़ों की बहुत सी पिक्चर्स क्लियर करेगा, और सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इशू जो है जिसको लेकर बार बार बहस होती रहती है वो सुरक्षा का है, और ये इसमें अगर एक भी गुंजाइश रहती है, किसी भी तरह का कोई भी सवाल पैदा होता है तो कहीं ना कहीं वो एक कंज्यूमर के जो ख़रीदने का सेंटिमेंट है उस पर फ़र्क डालता है। श्रीकांत जी, अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें तो कहाँ ज़्यादा रुझान नज़र आ रहा है, और अगर हम देखें कि जो सेल्स के आंकड़े हैं वो तो हम ओवरऑल दे रहे हैं, लेकिन इन सेल्स के आंकड़ों में किस सेगमेंट का जो रुझान है, किसका दबाव ज्यादा है? बेसिकली अभी स्टार्टिंग में जो ईवी का ये लास्ट 3 इयर्स में सेल है तो वो पर्सनल यूजर के बेसिस पे ज्यादा हुआ है, एंड पर्सनल इसमें लोगों ने ट्राई करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक्सेप्ट करना शुरू किया है। दो सेगमेंट है इसमें, एक पर्सनल यूज कैटेगरी है, कमर्शियल यूज कैटेगरी है। जैसे टू व्हीलर में भी दोनों कैटेगरी में टू व्हीलर्स यूज होते हैं, थ्री व्हीलर 100% कमर्शियल यूज कैटेगरी है, एंड फोर व्हीलर में भी दोनों कैटेगरीज आती है, बट ज्यादा फोर व्हीलर में यूज पर्सनल यूज का अकाउंट ज्यादा है। तो पर्सनल यूज में कार्स का सेल इन दिनों में ज्यादा बढ़ा हुआ है, एंड टू व्हीलर में भी पर्सनल यूज का सेल ज्यादा बढ़ा हुआ है। थ्री व्हीलर का जो सेल है इतना मार्केट जैसे नॉर्थ में ज्यादा लेवल पे बढ़ा हुआ है, बट जितने तादाद में थ्री व्हीलर्स इंडिया में है उसके कंपेरिटिवली अगर देखेंगे तो ओवरऑल अल्फाई कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ तो उतना स्टेक अभी तक ईवी ने नहीं कवर किया है, क्योंकि वो 100% कमर्शियल एप्लीकेशन में ही ज्यादा थ्री व्हीलर्स यूज होते हैं। अब इसमें मेजरली आज की डेट में हमें कमर्शियल सेगमेंट पे सभी ईवी मैन्युफैक्चरर्स को या जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको फोकस करना जरूरी है, क्योंकि यूज ज्यादा कमर्शियल में होता है, पेट्रोल का कंजम्पशन, डीजल का कंजम्पशन ज्यादा कमर्शियल में होता है। अगर कमर्शियल का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्जन हो जाता है, आइदर वो ओल्ड व्हीकल में कन्वर्जन होता है या नया इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाता है, तो एक्चुअल जो ROI है विद इन 1.5 to 2 years में उसको 100% ROI मिल जाता है कमर्शियल में,
वही पर्सनल यूज में अगर हम लोग देखेंगे तो उसको आरओआई में टाइम लगता है, एंड पर्सनल यूज में लोगों की डिमांड गैजेट की है। अभी जो दौर चल रहा है या फिर अभी जो कंपटीशन है वो कितने फीचर्स आप दे रहे हैं, कितने स्टाइलिंग उसको दे रहे हैं, इस तरफ पर्सनल यूजर का अट्रैक्शन है। वो कमर्शियल में नहीं होता है, कमर्शियल में वो उसको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, रफ एंड टफ प्रोडक्ट चाहिए, रेंज अच्छा मिलना चाहिए, स्पीड अच्छा मिलना चाहिए, परफॉर्मेंस उसको अच्छा चाहिए, सर्विस इजी होनी चाहिए, स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल होने चाहिए। अगर हम लोग इस पे फोकस करते हैं तो ये जो काउंट है एक्चुअल जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो अब तक ईवी इंडस्ट्री में 2000 से इंडिया में शुरुआत हुई, बट सक्सेसफुल ना होने के पीछे रीजन ही यही रहा है, पर्सनल यूजर ने व्हीकल को लिया, यूज कम किया और आपका बैटरी है उसका एक सर्टन लाइफ है, 3 साल 4 साल 5 साल बाद आपको उसको चेंज करना होगा। अगर 5 साल बाद भी आप चेंज करते हो और आपने व्हीकल 10-12 हजार किलोमीटर ही चलाया है तो आपका पर किलोमीटर 4 से 5 रुपए काउंट हो रहा है, तो वहां पे पर्सनल यूजर के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। जो लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं उनके लिए आज इलेक्ट्रिक व्हीकल परफेक्ट है और उनके लिए प्रॉफिटेबल भी है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने बताई कि आखिर एक अवेयरनेस जो है उसको इस मायने में भी है, और यही वजह है कि जैसा आपने बताया कि लंबा समय हो गया इंट्रोडक्शन को, आज जो हम ये बूम देख रहे हैं उसका सफ़र भी लंबा है, लेकिन अभी भी किन चीज़ों को लेकर अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। पंकज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं और जब हम एक रिसर्च और बाकी चीज़ों का आंकड़ा देते हैं, बार बार कहा जाता है कि भारत जो है वो इस सेगमेंट में भी और इस दिशा में भी मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, फिर भी जो स्कोप है वो तो नज़र आ रहा है, चैलेंजेस आप कहाँ ज़्यादा देख रहे हैं? और जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें बहुत से एक्सपेक्ट्स हैं। देखिए, इस सवाल को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को सेपरेट करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बैटरी रहती है, और बैटरी के बाद में एक मोटर पावर ट्रेन रहेगी, बैटरी को उस मोटर से जोड़ती है जो कि पहियों को घुमाएगी। सो हमें इन तीन चीजों पे ध्यान देना है कि मोटर कहाँ बन रही है, बीच के पावर ट्रेन जो है वो कहाँ बन रही है, और बैटरी कैसे बना रहे हैं। अगर थोड़ी टाइम के लिए मैं मोटर और पावर ट्रेन को भूल जाता हूँ, जो मेन सबसे पेचीदा और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बैटरी रह जाता है। अब बैटरी को बनाने के लिए दो तरह की टेक्नोलॉजीज या दो इनको दो तरह में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो बैटरी बनाना इटसेल्फ एक इंजीनियरिंग काम है, तो इसके अंदर अगर आप एक टिपिकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनती है लिथियम आयन सेल से बनती है, तो पहला काम ये होता है कहीं से आपको लिथियम आयन सेल मिल जाए, जो कि इस टाइम में आज मैं बात कर रहा हूँ सारे के सारे सेल जो इंडिया में मिलते हैं बैटरीज बन रही है इम्पोर्ट होती हैं, करीब करीब हर सेल जो इंडिया में आज के टाइम में है वो कहीं ना कहीं से इम्पोर्ट हुआ है। सो आप कहीं से इस सेल्स को मंगवाते हैं और उसके बाद में उन सेल्स को कनेक्ट करते हैं और उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स वगैरह जोड़ते हैं जिससे कि वो एक पूरा बैटरी चार्ज हो जाती है, मोटर से बात कर पाती है, अपनी हेल्थ को चेक कर लेती है, सेफ्टी मेंटेन कर लेती है। सो ये जो पहला लेवल मैन्युफैक्चरिंग जो कि बैटरी असेंबली मैन्युफैक्चरिंग है, ये इंडिया में इस टाइम बूम में है। काफ़ी सारी कंपनीज हैं इंडिया में जो कि बैटरी असेंबली कंपनीज बनती जा रही हैं, जो बाहर से सेल ला रही है और केवल इंडिया में सिर्फ उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, सिर्फ असेंबल कर रही है, तो ये असेंबलिंग कंपनीज कहलाती हैं। बहुत सारी गाड़ियों की OEM जो हैं वो खुद सेल मंगवाते हैं, उसके बाद में बैटरी इंडिया में बना रहे हैं। तो जहां तक बैटरी असेंबली मैन्युफैक्चरिंग है, आई थिंक इंडिया उसमें काफी आगे बढ़ता जाएगा और इसमें मैन्युफैक्चरिंग में काफी इन्वेस्टमेंट और एफर्ट लग रहा है और ये बहुत स्टेबलाइज सेक्टर बन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का। जहां पे हमें सेल्फ रिलायंस चाहिए और आगे बढ़ने का क्वेश्चन है वो ये है, लिथियम आयन सेल क्या हम इंडिया में बना सकते हैं? और लिथियम आयन सेल को बनाने के लिए एक हमेशा एक पेचीदा क्वेश्चन आता है कि भाई इंडिया में लिथियम नहीं है तो लिथियम आयन सेल कैसे बनाएंगे। मैं आज अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि एक लिथियम आयन सेल में केवल 2% लिथियम होता है, बाकी 98% जो उसके अंदर मटेरियल लगा हुआ है वो काफी अबंडेंटली अवेलेबल है इंडिया में। उसमें एल्यूमिनियम लगता है, एल्यूमिनियम की फॉइल्स लगती हैं, कार्बन लगता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि एक लिक्विड केमिकल होता है, एक सेपरेटर होता है जो कि एक तरह का पॉलीमर पेपर होता है। ये वो सारी चीजें हैं जो हम इंडिया में बना सकते हैं या इंडिया में अवेलेबल है, इनके लिए हमें किसी दूसरे देश पे जाके वहां पे माइन या खान में नहीं जाना पड़ेगा। सो मेरा ये मानना है कि अगर हमें इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डोमिनेटली बनाना है, बैटरी असेंबली तो बन जाएगा सबसे पहले, लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कुंजी है इंडिया को सेल्फ रिलायंट होने के लिए, जिसमें आप किसी दूसरे देश पे ना निर्भर रहें और आप जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बैटरी में जाने वाली वो आप भारत में बना लें। तो
उस तरफ हमें मेरे ख्याल से हमें ध्यान देना चाहिए। और कुछ नए इनिशिएटिव्स हो रहे हैं इंडिया में जहां पे लोग बाकी लिथियम आयन सेल बना रहे हैं, जैसे जिस कंपनी जो कंपनी हमारी है, हम भी लिथियम आयन सेल आज इसी दृष्टि से बना रहे हैं कि आज अगर हम लिथियम आयन सेल इंडिया में बना लेते हैं तो फिर हम बैटरी भी इंडिया में बना लेंगे, फिर हम गाड़ी भी इंडिया में बना लेंगे, फिर उसको एक प्राइसिंग पे लॉन्च कर पाएंगे। बहुत बहुत ऐसी इंसाइट्स इस शो में हमें मिली हैं जो शायद आज तक आपको पता नहीं थी। और यही वजह है कि ये जो पैनल हमारे साथ मौजूद था, जो अपने अपने सेक्टर्स में माहिर हैं और चूंकि उस इंडस्ट्री के कोर को पहचानते हैं, उसकी नब्स को पहचानते हैं, तो बड़े आसान तरीके से, और ये पूरा शो कहीं ना कहीं आपके लिए ये समझने में बहुत मददगार रहा होगा कि दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो स्कोप है वो कितना बेहतर है और हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ जो है काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पंकज जी, इसके साथ ही टूटू धवन सर और श्रीकांत शिंदे साहब, बहुत ही शानदार विश्लेषण आप सभी की तरफ से आज इस शो में हुआ। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी ये शो पसंद आया हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।